हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आज मैं लेकर आ गई हूँ पेपर वन का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका एनालिसिस मैं बाद में करूँगी, पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर आपके आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है तो आप इसे ज़रूर देखिए। तो चलिए देख लेते हैं, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह के वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मोबाइल पर मिल सके। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड। तो इसमें एक क्वेश्चन आया था, मैं सारे शिफ्ट का एक साथ ही आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। किस दर से 2000 साधारण ब्याज 9 माह में 180 होगा, ये एक क्वेश्चन आया था। इसके बाद ये देखिए, यदि अनुपात 3:8 जोड़ा जाता है जोड़ा जाता है तो 8 होगा, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। तो 5:9 का जोड़ने पर क्या अनुपात होगा, तो इसका सही उत्तर होगा 12:28। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन जो कि दूसरे शिफ्ट में आया था, अनुपात वाले क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो रहे हैं। 3:7 में 9 जोड़ा जाता है तो अनुपात 9:17 हो जाता है, तो क्या होगा, तो इसमें भी उसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद कूट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये दिया हुआ है कूट और इसका आपको आंसर क्या संबंध है आपस में वो दिखाना है। जैसे BD5JK का अगर कोड ACOJK में हो जाता है तो उसी प्रकार से EF5RT लिखा है तो उसका हम किस तरह से कूट निकालेंगे। तो उसका सही आंसर मैं सीधे सीधे दिखा देती हूँ, ये आपका सही आंसर होगा, आप निकाल कर स्वयं देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि कई शिफ्टों में अनुपात के क्वेश्चंस देखे गए हैं, मैंने एक जगह ही कर दिया है। इसके बाद जो कूट वाले हैं वो भी क्वेश्चंस कई शिफ्ट में देखे गए हैं, जैसे कि एक ये रहा और दूसरा भी है, मैं दिखाती हूँ अभी आपको एक और क्वेश्चन जो कि किसी शिफ्ट में आया था। तो AEIOU अगर TNHDZ में लिखते हैं तो BFJPV को क्या लिखेंगे, तो इसमें आपस में संबंध ज्ञात करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, CD-ROM, DVD-ROM और हार्ड डिस्क को क्रम से लगाना था, तो मैंने इसे क्रम में ही लगा दिया है। सबसे पहले छोटा CD-ROM होता है, फिर उसके बाद DVD और सबसे लास्ट में हार्ड डिस्क होगा। इसके बाद WORM का पूर्ण रूप क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना था, चूज करने थे ऑप्शंस में से, तो इसका सही आंसर होगा राइट वंस रीड मैनी। फिर इसके बाद NJAC किसके द्वारा संवैधानिक घोषित किया गया, तो यह घोषित किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसका उत्तर सुप्रीम कोर्ट होगा। फिर भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो कुल मिलाकर 9 हैं। और श्रेणी पर आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने कई शिफ्टों के जो श्रेणी वाले क्वेश्चन आए हैं उसको एक जगह ही आपकी सुविधा के लिए कलेक्ट कर दिया है ताकि आप अच्छे से एनालाइज कर सकें। इसमें एक श्रेणी वाला क्वेश्चन आता है, ये फर्स्ट शिफ्ट का है, 3:8:18 और 3:38, सॉरी फिर से मैं रीड कर देती हूँ, 3:8:18 और 38, तो इसका जो सही आंसर होगा 76 होगा, आप निकाल कर देख सकते हैं। इसके बाद दूसरे किसी शिफ्ट में आया था 2:6:30:60:130 और 210, तो इसका आपको क्रम ज्ञात करना है कि आगे क्या आंसर आएगा। तो ये आपको इसलिए दिखा रही हूँ मैं क्योंकि ये श्रेणी वाले क्वेश्चंस इस समय दिसंबर 2019 के पेपर में रिपीट हो रहे हैं, तो इसको जो रिपीट हो रहे हैं उसकी तो ध्यान से आप तैयारी कर लीजिए। आगे विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का
कौन सा वर्ष घोषित किया गया था? तो ये वायु प्रदूषण के लिए घोषित किया गया था, इसका एम था। फिर कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न एक और आया था, जैसे कि ऊपर आपको मैंने दिखाया था हार्ड डिस्क डीवीडी के बारे में, और कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन था कि 1 GB बराबर होगा 1024 MB के। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमें चूज़ करना था, 1024 GB, 1024 GB हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, ऐसा भी एक क्वेश्चन आया था। और फिर मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राधा कृष्ण आयोग को क्रम से व्यवस्थित करना था। ये इसका अगर एनालाइज करना है तो मैं बाद में आपको इसके डिटेल दूंगी। और निम्न में से कौन कौन है जिसमें डाटा स्टोर होता है? तो डाटा स्टोर करने के जो ऑप्शंस थे वो मुझे नहीं पता है, लेकिन डाटा स्टोर बहुत सारी चीज़ों में होता है, अगर आपने रीड किया होगा तो आपको मिल जाएगा। डाटा स्टोर करने के लिए CD, DVD, फिर पेन ड्राइव वगैरह सभी होते हैं, लेकिन ऑप्शन में क्या था ये मुझे नहीं पता है। तो संप्रेक्षण के प्रकार, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे कि संप्रेक्षण के प्रकार बताइए, सॉरी संप्रेक्षण के प्रकार पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। इसके बाद मीथेन कहाँ से निकलता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस था। और असंसाधित मल जल के बारे में एक क्वेश्चन आया था, जो कि असंसाधित मल जल की जो मैं बात कर रही थी, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने फर्स्ट पेपर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, जो कि अगर आपको पिछले पेपर्स देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे फर्स्ट पेपर टाइटल डाल के वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, असंसाधित मल जल की जो बात हो रही है, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। और मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, इस टॉपिक के भी क्वेश्चन पहले के जो पेपर्स हैं उसमें आ चुके हैं। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आगे की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। मैं इस पर ज़्यादा एनालिटिकल अभी वीडियो नहीं बना सकती हूँ समय के अभाव के कारण, अगर समय मिलेगा तो मैं इस पर भी आपको बना के दूंगी, जैसे मैंने हिस्ट्री के पेपर को एनालाइज करके आपको दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मोबाइल पर मिल सके। और हिस्ट्री के जो पेपर मैंने अपलोड किए हैं उसको लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।